खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 30 Express। अपराधियों पर रहम, किसानों और छात्रों पर सितम, पुलिस की जवरिया कार्रवाई। पुलिस आंख बंद करके कर रही है 107-16 की कार्रवाई। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन बेलगाम चला है। जिनका अपराध की दुनिया से दूर दराज तक अपराध से कोई वास्ता नहीं है, उन पर भी निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है झांसी जिले के मौठ सर्किल थाना क्षेत्र से, जहां प्रत्येक गांव से सैकड़ों लोगों का हुजूम तहसील परिसर में 107-16 में पाबंद लोग अपनी जमानत के लिए आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर किसान और छात्र अपनी जमानत करा रहे हैं। वहीं किसान और छात्रों ने पुलिस पर आरोप भी लगाए हैं, जिसमें छात्रों का आरोप है कि वो अपने गांव में रहते भी नहीं है, बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उन पर भी निरोधात्मक कार्रवाई हुई है, जिससे छात्र बेहद परेशान हैं और अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी जमानत करा रहे हैं। तो वहीं किसानों का आरोप है कि वैसे भी किसानों पर मौसम की मार पड़ चुकी है, बची कुची फसल जैसे तैसे करके वो अपनी बचा रहे हैं, तो ऐसे में 107-16 में पाबंद हुए किसान अपनी जमानत के लिए तहसील मोड़ के चक्कर लगा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न हो रही है कि एक गांव से लोगों को एक व्यक्ति पर हुई 107-16 में कार्रवाई पर दो लोगों द्वारा जमानत दी जाती है, जिसके बाद अगर 100 लोगों पर एक गांव में कार्रवाई हुई है तो 300 लोग मोठ तहसील में नजर आते हैं। वहीं बात करें, ऐसे में लगातार कोरोना भी अपनी तीसरी लहर के साथ चरम सीमा पर है। अब ऐसे में तमाम सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम मानविंद्र है, चितगुआ का रहने वाला हूँ। 107-16 में इतनी 70-80 गाँव जमा वो नाम दे दी हमारे गाँव में, और इतने जमानती, हर जमानती पे अलग अलग जमानती मांग रहा है हर मुलजिम पे, तो इतने जमानती हमारे देने को शिकायत ADM साहब के पास गए थे, उनने भी मना किया, बोले नहीं वो अलग अलग देना पड़ेगा। तो आपने ये नहीं बताया आप लोग क्या मुजरिम में पहले या कोई नहीं? कोई मुजरिम नहीं, सिर्फ 107-16 है। 107-16 कर दी जी, कोई मुजरिम है ही नहीं। क्या क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो मुचरका पे चलते थे जमानती 107-16 के, वैसे ही जमानत हो जाए बस, और क्या चाहिए मुझे। किसान आदमी अपना काम करें कि यहाँ पे जमानती कराएं, बोले, और हर बार अच्छा वो तारीखें लगेंगी, चार चार तारीखें देना पड़ेगा। हम अपने काम छोड़ के तारीखें देंगे कि अपना काम करेंगे किसान? आप लोगों को बताया गया था कि 107-16 हो रही? नहीं, कोई नहीं बताया गया, कोई नहीं जानता ही नहीं। आपके ऊपर किस बात की कार्रवाई की गई और आप कौन है, क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? जी मेरा नाम दीपक राजपूत है, मैं बजेरा स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं झांसी में पढ़ाई करता हूँ, बीरानी झलकरी बाई से RTI का छात्र हूँ अभी। और मेरे ऊपर 116 की ये कार्रवाई कर दी गई है, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और बेफजूल में यहाँ पे फालतू का कार्रवाई कर दी और यहाँ पे परेशान होना पड़ रहा है, वहाँ से आना पड़ रहा है शाहजहाँपुर। आप गांव में नहीं रहते? नहीं रहते, मैं झांसी में रहता हूँ, वहीं स्टडी कर रहा हूँ। दिक्कत क्यों नहीं हुई? अब वहाँ से आया, अप डाउन किया, फिर गाँव गए, फिर जमानती ढुलाए, बहुत परेशानी हुई। क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। लापरवाही समझ में आ रही है इसको? ये थानेदारों की मान लो, और कोई गांव में एक आध जो दलाल रहते थे वे बता देते, लिखवा देते नाम, और क्या।